बीसलपुर पुलिस ने गश्त के दौरान डिग्री कॉलेज के निकट तबंचे के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बीसलपुर कस्बा इंचार्ज विपिन सिंह राठी ने बताया कि विगत रात्रि में कांस्टेबल आकाश के साथ शहर में गश्त कर रहे थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर बीसलपुर शहर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पुलिया के निकट संदिग्ध व्यक्ति बैठे होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया। आरोपी की गोट में 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, आरोपी राहुल सक्सेना पुत्र रमेश चंद्र सक्सेना मोहल्ला बख्तावर लाल बीसलपुर का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को जेल भेज दिया है। कोटे की चयन प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर किया तहसील में प्रदर्शन। बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव मचवा खेड़ा में 9 सितंबर को कोटे की चयन प्रक्रिया की गई। इस दौरान ग्रामीणों का आरोप है खंड विकास अधिकारी ने चयन प्रक्रिया में धांधली की है। आपको बता दें, आरोप लगाया गया है कि प्रधान पक्ष के लोगों को ही गिना गया, जबकि आम जनमानस की गिनती नहीं की गई। ऐसे में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर तहसील में प्रदर्शन किया एवं SDM को शिकायती पत्र देकर पुनः चयन प्रक्रिया कराए जाने की मांग की। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में दबंगों ने तबंचे के नोक पर युवती को उठाया, पीड़िता ने दी कोतवाली में तहरीर। बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में दबंगों ने तबंचे की नोक पर युवती को घर से उठा लिया। आरोप है कि युवती को दबंगों ने जंगल में ले जाकर बंधक बनाया और उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि उसको कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। जैसे ही वो अपने दबंगों के चुंगल से छूटी तो उसने अपने परिजनों को पूरी जानकारी दी। पीड़िता ने पूरे मामले की तहरीर बीसलपुर कोतवाली में देकर उक्त आरोपियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। पीलीभीत से लापता हुए बीसलपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी हरीश गंगबार का शव जनपद बरेली के थाना बुता क्षेत्र के गांव अटकोना नहर से बरामद हुआ। परिवार वालों ने की शिनाख्त। बीसलपुर के प्रतिष्ठित दवा व्यापारी हरीश गंगबार 6 सितंबर को पीलीभीत गए हुए थे, जिसके बाद वह लापता हो गए। 4 दिन बाद उनका शव जनपद बरेली थाना क्षेत्र के गांव अटकोना नहर से बरामद हुआ है। ग्रामीणों ने शव की सूचना थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तलाशी भी की। जेब से हरीश गंगवार का आधार कार्ड निकला, जिसके बाद परिजनों को सूचना दी गई। सूचना के बाद परिजन गांव पहुंचे, शव की शिनाख्त की। घटना के बाद परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है।